जिया को जो है फैमिली कुछ पसंद आ गया है, यहाँ पर जो है बिलिंग करवा रही है। तो जिया को क्या पसंद आया है, जिया को पता भी नहीं है कि आज रात में भी एक सेलिब्रेशन है। जिया को कल का तो पता है लेकिन आज रात में क्या होने वाला है कुछ भी आइडिया नहीं है। सरप्राइज रहेगा वह। तो बहुत ही केक शॉप, यहाँ पर जो फ्लेवर हम लोग को ज्यादा अच्छा लगता है रेड वेलवेट। तो यहाँ पर जो केक हमारा तैयार हो गया, कैंडल जला दिया। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी कल हो गया जितिया का पारण, तो आज है जी 19 सितंबर और कल है 20 सितंबर और कल जो है जिया का जन्मदिन है। तो जिया के जन्मदिन को लेकर के कुछ सोच रहे हैं कि कुछ अलग तरह से इस पर मनाया जाए, देखते हैं क्या डिसाइड होता है। आजकल मौसम कितना बदल रहा है जी, कभी बारिश कभी धूप, और जब भी बारिश आती है तो हेयर फॉल जो अच्छा खासा हो जाता है, और जब धूप आती है इतनी तेज धूप आती है कि अच्छा सा जो है सनबर्न हो जाता है। तो ऐसे में जी अपना हेयर केयर और स्किन केयर करना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आजकल की बिजी जिंदगी में हमारा लाइफ स्टाइल भी कुछ ऐसा रहता है कि जिसका असर जो है हमारे हेयर और स्किन पर होता है। तो ऐसे में तो हेयर केयर करना और स्किन केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हेयर केयर करने के लिए, स्किन केयर करने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो है अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ये होता क्या है उसमें रूटीन होता है, उनका एक अपना अलग नियम होता है अप्लाई करने का, जो कि हमेशा फॉलो नहीं कर पाते हैं। और वैसी बात है जी, आजकल थोड़ा सा बिजी लाइफ शेड्यूल है, स्पेशली जब से क्रियांश आ गया है जिंदगी में। तो फिर ऐसे में हमने क्या किया जी, हमने मंगवा लिया वो स्किन साइंस का यह एलोवेरा जेल, जो कि मैं अपनी स्किन और हेयर दोनों पर अप्लाई करता हूँ। पहले मैं इसको लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ। इस एलोवेरा जेल को यूज करना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा जेल अपने पाम पर ले लीजिए, पाम पर लेने के बाद इसको जेंटली अपनी स्किन पर अप्लाई करिए। स्किन पर अप्लाई करने के बाद जेंटली मसाज करिए और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसे 10 से 15 मिनट अपनी स्किन पर रहने दीजिए, फिर उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से इसे धो सकते हैं। इस जेल के जी बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट है, जैसे कि यह एक हेल्दी मॉइस्चराइजर के तौर पर काम करता है, साथ ही आप इसको नेचुरल स्क्रब के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सनबर्न की प्रॉब्लम है तो अगर आप इसे सनबर्न स्किन पर डालते हैं तो आपको एक अच्छा सा सूदिंग इफेक्ट मिलता है, और साथ ही इसमें होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी और यह हील सेवर के तौर पर भी यह काम करता है। अगर आपका स्किन रफ है तो आपकी स्किन को यह सॉफ्टन करने में मदद करता है। स्किन के साथ साथ जी यह हेयर के लिए भी काफी फायदेमंद है। यह जो है हेयर और स्कैल्प नरिशर के तौर पर काम करता है और साथ ही आपके हेयर को सॉफ्टन करने में भी मदद करता है। अगर आपके हेयर में हार्डनेस की कोई प्रॉब्लम है तो यह आपके हेयर को सॉफ्ट करने में भी मदद करता है। साथ ही आप जो है इसको आफ्टर शेव के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। देखा जी आपने, जेल तो एक है लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। तो जी देरी किस बात की, लिंक हमने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए लिंक से जाकर परचेज कर लीजिए। और हाँ जी, बी वाओ नेचुरली। और यहाँ पर जितना जितिया का फल है अब जो है सबको उपयोग में लाया जा रहा है कि सबको जल्दी से यूटिलाइज कर लिया जाए, नहीं तो फल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर जिया छील रही है टाब, कोई टाब बोलता है कोई टाब बोलता है, हम लोग तो टाब नींबू बोलते हैं। तो यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो जल्दी से इसको फाड़ा जाए और खाते हैं। उधर से झांस भी आ रहा है किचन से। तो हम लोग जो है खाते हैं दो समय, एक छठ के समय एक जितिया के समय। पिछले समय बाबू था होने वाला तो कोई खाने नहीं दिया था हमको, तो इस बार खाओ, मजे में खाओ, जमकर खाओ, हमको बहुत पसंद है, पुष्ट खाओ। क्रियांश क्या कर रहा था अकेले तुम, क्या कर रहा था, पंखा देख रहा है, अभी भी पंखा देख रहा है, फैन देख रहा है, देखिए हाथ ला रहा है ऊपर, हाथ जोड़ के क्या कर रहा है, जय जय कर रहा है, जय जय बुंगी बुंगी। देखो हम क्या खा रहे हैं, तुमको नहीं दे रहे हैं ना, हम क्या खा रहे हैं, टाब खा रहे हैं, ये तो देखो आ रही है, कलर कहीं का, वाह क्रियांश भी ले रहा है यार, टाब ले रहा है क्रियांश, टाब लेगा, हेलो राजा, नहीं 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 मुंह में डाल ला, मुंह नहीं डाल रहा, देखे देखे इसका मैं आपको एक दिखाता हूँ, यह सीट अप करता है, जैसे मेरा ये दोनों उंगली पकड़ा हुआ है, अब मैं देखो वन, नहीं 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 इससे नहीं होगा, तो हमारा नहाना हो गया जी, नहा करके जो है नया ड्रेस भी पहन चुके हैं और उधर जो है हमारा खाना भी लग गया है। तो जिया तो बैठ गई है खाने के लिए, हम भी बैठते हैं, फिर इसके बाद जिया के जन्मदिन के लिए कुछ खरीदारी भी करनी है, तो वहाँ शॉपिंग करने चलेंगे हम लोग। उधर मम्मी का भी पूजा लगता है लगभग खत्म हो चुका है, तो उनका भी खाना लगाया जाएगा। 20 मिनट्स लेटर अभी जो है कुछ देर पहले खाना खा करके जो है हम लोग निकले थे शॉपिंग करने के लिए, बीच रास्ते में अचानक से होने लगी बहुत ही तेज बारिश। हम लोग तो सोचे कि चलो कोई बात नहीं, बारिश को इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन जो है बारिश और ज्यादा तेज होने लगी,
है कि अब कोई चारा नहीं है, सीधा घर चलते हैं और जब बारिश छुटेगी फिर निकलेंगे। और अगर आज शॉपिंग नहीं हो पाया तो फिर किसी अगले दिन चलेंगे। देख सकते हैं पूरा चश्मा भींग चुका है, मेरा टी शर्ट भींग चुका है। तो चलते हैं अंदर। जिया अंदर बैठी हुई है, बाबू तो अभी सो रहा है। तो जिया यहाँ बैठी हुई है इस आस में कभी तो बारिश खत्म होगी या निकलेंगे। उठ गया वो। One hour later. तो फाइनली जी बारिश हो गई है खत्म, तो अब मौका है बाहर निकलने का, तो निकलते हैं। वाह हो गया उसका। और कौन? अब दादी को सोने भी देगा वो। पहुंच गए जी शॉप। जिया है अंदर और वहाँ पर जो है कुछ खरीद रही है जो उसको बर्थडे के दिन पहनना है। जी लंबे अंतराल के बाद दिया को जो है फैमिली कुछ पसंद आ गया है, यहाँ पर जो है बिलिंग करवा रही है। तो दिया को क्या पसंद आया है यहाँ आप देखेंगे दिया को जन्मदिन के दिन क्या कर दिया ने क्या खरीदा है। कल पहनना है, मिल जाएगा? फिटिंग कराना पड़ेगा सर। नहीं फिटिंग तो ठीक है। से सामान लेकर के आ गए हैं जी एक टेलर के यहाँ। तो जिया यहाँ पर अपना फिटिंग करवाने के लिए दे रही है कपड़े को, फिटिंग करवाएगी। यहाँ पर जो है हमारे शहर में चाय सुट्टा बार भी खुला हुआ है, तो सोच रहे हैं कि आज विजिट किया जाए। पहले वहाँ पर अपना नाप दे दे, जैसे ही नाप दे देगी वहाँ पर फिर निकलेंगे। चलो तब चलते हैं चाय सुट्टा बार। क्या क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं क्या लेने लायक है, क्या क्या लेने लायक है? सब कुछ लेने लायक है, सब लेने लायक। कॉर्न चाट, मैंने तो पास्ता लेके तो पास्ता माँ के लिए ले लीजिएगा, माँ को बहुत पसंद है, पैक करवा लीजिएगा। यहाँ पर आ गया थी हम लोगों का ड्रिंक, इधर एक मोजिटो और इधर एक कोल्ड कॉफी या पी लिए मजे में। और इंतजार है हमें हमारे खाना का, जो कि बहुत टाइम लग रहा है आने में। किसी भी रेस्टोरेंट की ना एक दिक्कत बहुत होती है, खाना बहुत लेट से आता है, अच्छा खासा वेट करना पड़ता है। जैसे बाकी जगह जाते हैं समोसा खाना हो, झालमुड़ी खाना हो, चाट खाना हो, तुरंत मिल जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समय लग जाता है। बस यही एक खराब चीज लगता है। आ गया पास्ता, खाया जाए इसको भी। रेड सॉस पास्ता, ये ड्राई वाला नहीं है, बहुत तीखा तीखा भी है। कह रहे सारा कोल्ड कॉफी पी गई तो बिल्कुल। जिया कह रही थी अलग अलग ड्रिंक मंगाते हैं, सबके थोड़ा थोड़ा पियेंगे, इसमें से भी पी ली, इसमें भी, इसको ये तो रखा हुआ है। चाय सुट्टा बार से हम लोग निकल गए और पहुंच गए घर। और जैसे ही घर पहुंचे हैं जी अपना ड्रेस चेंज करके लग गई काम पर। कपड़ा अच्छा सबको अरेंज करना है अब। ये सारा काम आप ही कर रहा था, ये को कपड़ा जिस दिन अपने से ले लेते हैं सारा उठक के रख देते हैं। अच्छा तो इसलिए दिया नहीं चाहती है कि हम कोई भी कपड़ा अपने से ले क्योंकि काम बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ नहीं जाता। इसलिए दिया मेरा मदद कभी नहीं लेना चाहती है, लेना भी नहीं आपका मदद। मजाक कर रहे थे। नहीं नहीं हम सीरियस ही हैं, मजाक नहीं। देखिए क्या किया, पूरा दाग लगा दिए। अच्छा खासा पेंट खराब हो गया ये। इसमें दाग लग गया है, कैसे साफ होगा? ये पेंट है, पेंट है, देखिए आला से साफ, आला से हो जाएगा। ये क्रीम कलर है, हाँ। तो लगता है लॉन्ड्री में देना पड़ेगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं। जाएंगे ना मंदिर, उधर दे देंगे। इतना नया है ना, एक वाइट पहनता ना तो हम आला से पूरा ही वाइट कपड़ा आला। मेरी दीदी को देख सकते हम चका चका ही है। यहाँ पर देख रहे हैं जी ढेर सारा मिठाई, जिया के जन्मदिन का तैयारी है। और यह किस चीज में यूज होगा आप लोग जो अंदाजा लगा रहे हैं, हाँ तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्पेशल होने वाला है, वो आपको कल मालूम चलेगा। सुनो ये वाला ले लो, एक ठो गुलाब जामुन गरम 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 है, अभी भी तुरंत बनवा के लाए, किसी और के लिए बना रहा था, हम बोले नहीं पहले हमको दे दीजिए। तो अभी आप देख रहे होंगे मोलू को पीछे बैठा हुआ है। जी हाँ हम लोग अभी हैं बाइक पर और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं मार्केट और वहाँ से लाने वाले हैं केक। जिया को पता भी नहीं है कि आज रात में भी एक सेलिब्रेशन है। जिया को कल का तो पता है लेकिन आज रात में क्या होने वाला है कुछ भी आइडिया नहीं है। तो जा रहे हैं, केक को जो है सरप्राइज रहेगा वह, और केक को जो है नीचे वाले फ्रिज में रखेंगे, ऊपर वाले में रखेंगे तो जिया को पता भी चल जाएगा। और नीचे वाले में रखेंगे, मम्मी पापा को पहले ही बता देंगे कि ऐसी बात है ताकि उन लोग को भी पता रहे, रात में सोने से पहले जो है केक नीचे से उठा करके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि पापा मम्मी जो है सो जाते हैं साढ़े 10 बजे करीब और सेलिब्रेशन होना है 12 बजे। तो देखते हैं या छुपा रुस्तम का खेल होना है, सफल हो पाते हैं कि नहीं, आप लोग भी देखिएगा। तो पहुंच गए केक शॉप, यहाँ पर जो फ्लेवर हम लोग को ज्यादा अच्छा लगता है रेड वेलवेट। हाँ दे दीजिए। कुछ हटके है, पहले प्लास्टिक वाला मिलता है, प्लास्टिक बढ़िया है लेकिन नहीं। वो दे दीजिएगा नहीं है, कई बार गड़बड़ निकल जाता है। जी केक तो ले लिया, अब सीधा चलते हैं घर और इसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। 20 minutes later. पहुंच गए जी घर, अब तो यह केक है इसको
जाकर के नीचे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। पीछे आपको जो है शोर सुनाई दे रहा होगा, क्रियान शैतानी कर रहा है, दादी को अच्छे से एकदम परेशान करके रखा हुआ है। क्या बदमाशी करता है तुम, दादी को परेशान करता है। अभी देखिए कितना बड़ा बन गया। तो क्या बात करना, आपको करा लिया तो हम। तो ऐसा करते हैं दीदी, केक को रख देते हैं फ्रिज में, रात में ले लेते हैं। ये आपको पता नहीं है क्या हुआ। क्रियांश जो है अपनी दादी के साथ खेल लिया अच्छे से, दादा दादी के साथ बहुत ही मजे में खेला, और अब जो है क्रियांश को ऊपर लेकर के चल रहे हैं। ठीक है क्रियांश, चलते हैं ऊपर, चले। अभी बज रहे हैं जी रात के 12, और इस समय जो है सिर्फ एक ही इंसान जगा हुआ है, वह है हम। जिया सोई हुई है, मम्मी पापा सोए हुए हैं, और बेटा सोया हुआ है। और जिया का जो केक है वो हम रेफ्रिजरेटर में ऊपर लेते आए थे, तो अब ऐसा करते हैं जिया को बुलाते हैं, और जिया के लिए बिल्कुल ही सरप्राइज रहेगा यह, क्योंकि जिया को कोई भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या होने वाला है और क्या इंजाम है। जिया को इतना तो कहे थे कि कल जो है कुछ अलग प्लान है, ऐसा प्लान है, वो प्लान भले अभी हमने आपसे शेयर नहीं किया है, जब आप देखेंगे वो वाला वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और अब ऐसा करते हैं जी, ज्यादा देरी नहीं करते हुए जिया को बुलाते हैं, कि रात नहीं चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा हो जाए, बुलाते हैं उसको। यहाँ पर जिया सोई हुई है, अब उसको उठाते हैं। क्रियांश इधर सोया हुआ है, जिया तो बाहर आप धीरे से, क्रियांश जगे नहीं। तो जिया यहाँ पर आ चुकी है, एकदम ब्लू ब्लू लाइट लग रहा है, एकदम नियॉन लाइट। आराम से बैठ जा तुम। हाँ, चल भी नहीं पा रही है जिया ढंग से। तो जिया यहाँ पर बैठी हुई है, तो बैठी हुई है तो बैठो। पानी वानी दे दे कुछ, पानी प्यास लगा है। चलो पानी बाद में पी लेना, पहले कुछ खा पी लो। अच्छा है ना, पहले कुछ खा लो। क्या है लाते हैं अभी कुछ देर में। तो वह जो है तुम्हारे खाने का वह इसमें है, और यह केक जो है पसंद भी है, जो भी खाए घर में सभी को पसंद भी आया है, तो वही केक लिया है। देख लो एक बार कौन सा केक है, खींचना होगा नीचे से, देख लो किधर से दिया होगा खींचने के लिए। और एक स्टिकर भी लगा लो ऊपर से, बर्थडे का यह स्टिकर है। और इस बार जो है तुमको बिल्कुल बताए भी नहीं, इतना बस खाली चर्चा कर लिया कि कल कुछ प्लान है ना। कैसा लगा सरप्राइज? तुमको लग रहा था पता है क्या, कि कुछ ना तो कुछ तो होगा जरूर, हर साल होता ही है कुछ। हाँ, ना इस वजह से पता है क्या, हम नाइटी पहन के नहीं सो। वाह वाह वाह, सरप्राइज जो है थोड़ा सा एक्सपेक्टेड सरप्राइज था यह। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी सरप्राइज था। ऐसा करते हैं इसमें जल्दी से कैंडल जलाते हैं और केक को काटो, हमको भी खाने का बहुत मन कर रहा है इस केक को। इसीलिए एकदम पसंदीदा केक लाया गया है। बिल्कुल, यह केक जो है सभी को पसंद है। और सब सारे लोग खा लेंगे। बिल्कुल, सुबह खाएंगे सारे लोग। यहाँ पर जो केक हमारा तैयार हो गया है, कैंडल जला दिया है, जो है केक को जल्दी से काटा जाए। तो फिर हम भी आ जाते हैं जी इस फ्रेम में, और काटा जाए केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। जल्दी से केक जो है खिलाया जाए। अच्छा, ये पार्टी पॉपर है ना, इसको फोड़ते हैं, देखते हैं। ओए बहुत जोर से फटा ये, और एक स्माइल यहाँ आ गया, एक स्माइल यहाँ पर आ गया। कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, क्लोजअप पे दिखा देते हैं सभी को। ये देख सकते हैं एक स्माइली जो है यहाँ पर आया हुआ है, और फिर बाकी स्माइली जो है सब इधर उधर है। ये स्माइली कह रहा है कि आप जो भी इसे फोड़ा है वो हमेशा स्माइल करते रहे। ऐसा ही, वाह बिल्कुल स्माइली ही आया। तो अब केक काटा जाए, केक कट चुका है तो खिलाया जाए। ऐसे बोलिए, खिलाया जाए। बाद में तो बाकी अपना है, क्या दिक्कत। तो यह था जिया को मेरा सरप्राइज, कैसा लगा? बहुत। हाँ जी, तो यह था हमारा सरप्राइज जिया के लिए, जो कि जिया, काफी अच्छा था। काफी अच्छा था, और जिया ने पहले से ही थोड़ा सा उम्मीद कर लिया था कैसा कुछ बने वाला। थोड़ा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पतिदेव हमारे लिए कुछ स्पेशल ना कर। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा था। जैसे ये मार्केट से आई तो थोड़ा बहुत काम था, कर दिए फिर से वही कपड़ा में पहन लिए, रात में थोड़ा फोटो वोटो अच्छे से आ जाए, कुछ सरप्राइज होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। हाँ जी, यह था एक छोटा सा सेलिब्रेशन, और कल जो है बड़ा लेवल का सेलिब्रेशन होगा, और बहुत ही खास लेवल का होगा, जो कि हमने जिया से डिस्कस कर लिया है। इस तरह का बर्थडे सेलिब्रेट हमने अभी तक नहीं किया हुआ है। सही में जी, इस तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन करने का हमारा बहुत मन था, करेंगे। हो नहीं पा रहा था, सोच रहे थे कैसे करें, नहीं कैसे करें, लेकिन इस बार हम लोग करेंगे वह चीज। और आप लोग भी देखिएगा, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, और शायद अप्रिशिएट भी करेंगे। तो अब ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, कि हमें केक भी खाना है क्योंकि काफी लेट हो रहा है, रात हो चुकी है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद
करते हैं। आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले आपको। और आज ये वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। शेयर जरूर कीजिएगा और हमें बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा आज के दिन, क्योंकि आपका आशीर्वाद मेरे बहुत काम आएंगे। हाँ जी, आप मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अच्छा, बाय कहने से पहले कहना चाहेंगे फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।